Hi guys, welcome to your 42nd Java tutorial in Hindi by TechnoSesh. और इस वीडियो में हम देखेंगे एक छोटा सा इंट्रो कलेक्शंस का. कलेक्शंस फ्रेमवर्क एक कॉम्प्लेक्स हायरार्की है क्लासेस और इंटरफेसेस का. उसमें कई सारे क्लासेस और इंटरफेसेस है जो एलिमेंट्स को स्टोर, अरेंज और एक्सेस करने के लिए देता है. हम उन सारे क्लासेस और इंटरफेसेस को नहीं सीखेंगे, पर हम वो सीखेंगे जो हम 95% ऑफ द टाइम यूज करने वाले हैं. कलेक्शंस में कई सारे क्लासेस हैं जहां हमारे ऑब्जेक्ट्स, वेरिएबल्स एक्सेट्रा स्टोर, अरेंज और एक्सेस करने के लिए मिलता है, पर उनमें से हम सिर्फ सीखेंगे अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, क्यू और हैश सेट. बाकी सारे क्लासेस या और इंटरफेसेस या तो आउटडेटेड है या फिर काफी रेयरली यूज किया जाता है. अब इन सब क्लासेस का अपना अपना प्रॉपर्टी होता है जिससे वो डिफरेंट है, यानी कि वो सब अपने अपने तरीके से एलिमेंट्स को स्टोर, अरेंज और एक्सेस करने के लिए देता है. अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हमारे पास अरेज है जिसमें हम मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है, तो फिर हमें कलेक्शंस की क्या जरूरत है. देखिए, अरेज बोरिंग होता है, वो लेस फ्लेक्सिबल है और उसमें कई सारे रेस्ट्रिक्शंस होता है, जैसे कि इंडेक्सिंग का ऑर्डर, एलिमेंट्स का एक्सेसिबिलिटी करने का तरीका, और वो डायनामिक नहीं होता है. इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमें कलेक्शंस को यूज करना पड़ता है. मेरी अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अरे लिस्ट कैसे यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं, और अगर आपको ये पूरी सीरीज देखती रहनी है तो आपको ऊपर सब्सक्राइब का बटन पर क्लिक कर सकते हैं और सब कुछ जो है आपके होम पेज में दिखाई देगा. ठीक है गाइस, अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप नीचे पूछ सकते हैं कमेंट्स का बॉक्स में. तो अगर कुछ नहीं है तो जल्दी हम चले जाते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो अरे लिस्ट के बारे में. ओके, बाय.